हेलो हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कंट्रोल सिस्टम के बारे में। और एक बात और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कंट्रोल सिस्टम का कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हो तो आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको पढ़ सकते हो। मैंने सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस उसको अपलोड किया हुआ है, पूरे के पूरे सिलेबस को। तो अब हम देख लेते हैं कंट्रोल सिस्टम क्या होता है। आपको नाम से ही पता चल पा रहा होगा कि कंट्रोल मतलब कंट्रोल होता है, सिस्टम मतलब किसी भी सिस्टम को कंट्रोल करता है, इसको ही हम कंट्रोल सिस्टम बोलते हैं। लेकिन अब हम सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं और फिर इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ही हम इसको समझेंगे। ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कनेक्टेड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन इन विच द आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट। देखिए फ्रेंड्स, इसका क्या मतलब हुआ, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ए सिस्टम विच कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, ये जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं उनको मिला करके बना होता है, कनेक्टेड होते हैं टुगेदर, मतलब आपस में ये कनेक्टेड होते हैं टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक फंक्शन। कोई भी हमारा स्पेसिफिक फंक्शन होता है उसको परफॉर्म कराने के लिए, हमारा कोई भी सिस्टम है फ्रेंड्स तो हमको वो परफॉर्म कराना है, तो उसके लिए ये डिज़ाइन किया जाता है। इन विच द आउटपुट इज कंट्रोल्ड बाय इनपुट, जो भी हमको आउटपुट प्रोवाइड होता है वो किसकी वजह से होता है, इनपुट की वजह से। सब कुछ इनपुट पर डिपेंड करता है, यहाँ पे जितना हम इनपुट देंगे हमको यहाँ पे आउटपुट भी उसी के अकॉर्डिंग मिलता है। अब हम देख लेते हैं कि कंट्रोल सिस्टम टू टाइप्स के होते हैं, नंबर वन ओपन लूप सिस्टम, नंबर सेकेंड क्लोज लूप सिस्टम। तो अब हम सबसे पहले ओपन लूप सिस्टम देख लेते हैं और मैं आपको ये विद एग्जाम्पल के साथ समझाऊँगा, क्योंकि आपको ये समझ नहीं आता, आप इसको रट तो लेते हो लेकिन एक्चुअली आपको पता नहीं चल पाता कि ये क्या चीज़ है। दे फ्रेंड्स, हमारा कोई भी सिस्टम है, हम इनपुट देते हैं और हमको आउटपुट प्रोवाइड हो जाता है, और बीच में क्या होता है, हमारा सिस्टम होता है, बस यही होता है हमारा ओपन लूप सिस्टम। लेकिन एक्चुअली ये है क्या, आपने अपने घर में गीजर देखा होगा जो पानी गर्म करते हैं, आप उसमें क्या देते हो, आप उसको कनेक्ट कर देते हो वायर के थ्रू और फिर आपको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है। आपने यहाँ पे इनपुट दिया, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी और आपको यहाँ पे आउटपुट में क्या मिला, आपका पानी गर्म होने लगा। लेकिन आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि हमारा पानी कब गर्म हो गया, कि हमको कब बंद करना है, बस ये सिंपल ही होगा। आप जितना भी यहाँ पे इनपुट दोगे आपको आउटपुट भी उतना ही मिलेगा, उतने ही टाइम तक मिलेगा जितने टाइम तक आप इसको यहाँ पे इनपुट देते रहोगे। अब मैं आपको यहाँ पे इसके एडवांटेज बता देता हूँ, ये वेरी सिंपल होता है इसका, जो हम इसको बनाते हैं जब तो ये सिंपल बन जाता है, लेस मेंटेनेंस, जब ये ख़राब होता है तो हम इसका आसानी से मेंटेनेंस कर सकते हैं। अब इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं, ये इनएक्यूरेट होता है, इनएक्यूरेट मतलब अब हमको यहाँ पे पता नहीं चल पाया कि हमारा पानी कितना गर्म हो गया, कब गर्म हो गया, तो हमको यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चल पाया, और जैसे ही हम इसको इनपुट देंगे ये उतना ही हमको यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड कर देगा। तो मतलब हमको यहाँ पे कुछ पता नहीं चल पा रहा कि एक्चुअली हमको आउटपुट कितना मिल रहा है, मतलब हम उसको काउंट नहीं कर सकते। और नोट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स, नोट रिलायबल, मतलब ये विश्वास करने लायक नहीं है, हम इस पर ज़्यादा बेस्ड नहीं हो सकते। अब देख लेते हैं हम फ्रेंड्स क्लोज लूप सिस्टम, एक्चुअली हम ज़्यादातर इसी का यूज़ करते हैं और ये ज़्यादा अच्छा माना जाता है ओपन लूप सिस्टम से, क्योंकि आपको ये वीडियो में आगे पता चलेगा कि ये क्यों अच्छा माना जाता है। देखिए फ्रेंड्स, हम इसमें कोई भी इनपुट देते हैं और हमको यहाँ पे क्या मिलता है, हमको यहाँ पे आउटपुट मिल जाता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, फीडबैक एलिमेंट्स लगाते हैं और यहाँ पे क्या लगता है, कंट्रोलर, और यहाँ पे ओपन लूप सिस्टम, और फिर जो ये हमारा ओपन लूप सिस्टम है फ्रेंड्स, ये तो यहाँ पे आउटपुट दे देगा, लेकिन हम यहाँ पे क्या ऐड कर देते हैं, हम यहाँ पे एक फीडबैक एलिमेंट्स ऐड कर देते हैं जो हमको यहाँ पे फीडबैक दे देता है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा ओपन लूप सिस्टम था उसमें कोई भी फीडबैक नहीं होता, और जो हमारा क्लोज लूप सिस्टम होता है इसमें फीडबैक होता है और इसीलिए अच्छा माना जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ फ्रेंड्स, आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कि आपने एसी देखी होगी, तो आपने यहाँ पे इनपुट दिया, आपने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी दी, उसको यहाँ पे आउटपुट प्रोवाइड हो गया, तो आपने सपोज कीजिए यहाँ पे 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर आपने यहाँ पे इसको सेट कर लिया, तो आपको यहाँ पे आउटपुट उतना ही मिलेगा। और जैसे ही आपने ये सेट किया
और वो उससे भी क्या होने लगा, ज़्यादा या कम होने लगा, तो ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे फीडबैक दे देगा। फिर यहाँ से इनपुट आता रहेगा और यहाँ से क्या आएगा, ये यहाँ पे फीडबैक दे देगा। फिर ये क्या जाएगा, कंट्रोलर के पास जाएगा। कंट्रोलर उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा कि अब मेरे को कितनी इलेक्ट्रिसिटी पास करनी है, इनपुट कितना पास करना है, जो कि हमने कोई भी नंबर उसमें फिक्स किया हुआ है, 21 सेल्सियस, 22, 23, आप कितना भी फिक्स्ड कर सकते हो। तो ये बस उतना ही जाने देगा, उसी हिसाब से जाने देगा जितना हमको आउटपुट चाहिए। तो ओपन लूप सिस्टम में क्या होता है, फिर जाकर ये प्रोसेसिंग होती है, फिर हमको आउटपुट वही मिलता रहता है जो हम चाहते हैं। तो ये फिर से फीडबैक देता है, अगर कोई भी एरर आती है तो यहाँ पे कंट्रोलर की सहायता से उसको एरर को क्या कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, फिर हमको आउटपुट अच्छा मिलने लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम इसके एडवांटेज देख लेते हैं। इसके एडवांटेज होते हैं मोर फास्टर, ये ज़्यादा फास्टर होता है कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम से, और मोर रिलायबल, मतलब हम इस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं फ्रेंड्स, मोर एक्सपेंसिव कंपेयर बाय ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम, ये ज़्यादा कीमत का होता है फ्रेंड्स कंपेयर टू ओपन लूप सिस्टम। और सेकेंड है इसका कॉम्प्लिकेटेड कनेक्शन, इसके जो कनेक्शन होते हैं वे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, मतलब कठिन होती है, डिफ़िकल्ट मेंटेनेंस। जब हम इसको, ये ख़राब हो जाता है, हम इसको मेंटेनेंस कराते हैं इसका, तो ये थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है कंपेयर टू ओपन लूप कंट्रोल सिस्टम। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि मैंने आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझाया अच्छे से। तो प्लीज़ मेरे, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।